अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। सबको बहुत बहुत मुबारक हो। ईद का दूसरा दिन, ये है मेरे सेकंड डे का ड्रेस। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा, और कल के ब्लॉग को लाइक करने का बहुत शुक्रिया। आज मेरे घर में है मेरी सिस्टर्स फैमिली की, सबकी दावत, तो सब आने वाले हैं। और पहले मैं आपको थोड़ी सी तैयारी किया दिखाऊंगी, सेटअप वगैरह, और फिर जल्दी से ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। दावत की तैयारी तो ऑलमोस्ट 12 बजे स्टार्ट कर दी थी, और आपको पता है अभी ईद की छुट्टियां हैं, तो मेरी सारी हेल्पर्स भी नहीं थी आई, ओनली वन आई हुई थी उस्मा, और अल्लाह का शुक्र उसने बहुत ज़्यादा मदद की। और 4 बजे जो है वो मैं अपने दूसरे काम समेट के ना, तो उसके साथ बड़ी तेज़ी से मैंने काम और कुकिंग स्टार्ट कर दी थी। और शाम साहब को मैंने कहा कि एक दफ़ा वैक्यूम कर दो सोफ़े। आपको पता है चिंकी और टीटू के हेयर जो है वो हेयर फॉल इस सीज़न में होता है उनका थोड़ा बहुत, तो सब गेस्ट ने आना था, तो वो पता है फिर कईयों के डार्क कलर के ड्रेसेस भी होते हैं। और शाम बड़े ध्यान से माशाल्लाह से सारे काम करता है। उज़ैर भी पहले मेरे साथ काम करवा रहा था, फिर उसका ऑनलाइन कोई काम उसने जमा करवाना था, तो बस वो फिर इधर बैठ गया थोड़ी देर के लिए। और अल्लाह का करोड़ बार शुक्र है कि भाई काफ़ी, क्योंकि जब सब लग जाए ना तो काम में इतनी बरकत हो जाती है। नासिर साहब भी साथ में लग गए थे, असल में हेल्पर्स नहीं थी, तो बच्चे हस्बैंड सब मिल के, हम तो सब मिल के काम करते हैं। और किचन में अल्हम्दुलिल्लाह कुकिंग जो है, सालन मैंने 2-3 बनाए थे, बिरयानी का मसाला ये वो 4 o'clock जो है ना ऑलमोस्ट डन हो गया था। वो बर्तन वगैरह भी मैंने सारे फिर निकाल के रख लिए। फिर ये होता है ना कि एक दफ़ा सुकून से काम हो जाए ना तो बंदा मतलब आराम से फिर फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता है। और अल्लाह का शुक्र है, फिर सबसे पहले नासरा आ गई थी 6:30 बजे, फिर मैंने जनाब मोबाइल रख दिया था, मैंने कहा बाद में शूट करूँगी। और सबसे पहले और तकरीबन 5 मिनट भी नहीं गुजरे थे, अभी हम मिल ही रहे थे, ऐसे हम बैठे हैं, और ऊपर से ना अम्मी अबू आ गए थे। और ये वाला जो ड्रेस है ये मैंने चांद रात को जाके लिया था, क्योंकि जो मेरा ईद के सेकंड डे का ड्रेस था वो मुझे बहुत लाइट कलर का लगा था, तो मैंने कहा चले वो तो ऐसा है कि किसी के घर दावत पर जाओ तो तब ही है जाके पहनूँ, क्योंकि घर में जब दावत होती है ना और काम होते हैं तो फिर आप इतना लाइट कलर का ड्रेस जो है वो कैरी करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, मुझे थोड़ा सा लगता है कि लोग बड़े ईजिली इसे करते हैं। तो बस मैं वो ले आई थी ड्रेस, और अभी बस बैठे थे, जूसेस सर्व किए, और इतने में अम्मी अबू आ गए थे। और बस अम्मी अबू ऐसे आके बैठे, उन्हें पानी वगैरह सर्व किया, तो इतनी थोड़ी देर में ही बस रास्ता आ गई थी, हार्डली 5 मिनट्स के बाद। लेकिन सब माशाल्लाह से बहुत खुश थे, जहांगीर को बहुत ज़्यादा, जो मेरा भाई बाहर होता है उसे मिस कर रहे थे, फैमिली को, आलमगीर को, मीर को, सब ने बहुत ज़्यादा याद किया। और बस यहाँ पर पानी वगैरह दे रहे थे और रास्ता आ गई। और पानी वगैरह पी के यहाँ पे हम पार्क में आ गए थे कि थोड़ी सी चलो पिक्चर्स वगैरह क्लिक कर लेते हैं, इंस्टाग्राम के लिए वीडियोस बना लेते हैं, और थोड़ा सा ना लेटेस्ट टाइम जो है वो इकट्ठे गुजारते हैं। लेकिन माशाल्लाह से अम्मी ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। बस थोड़ी सी अभी पिक्चर्स वगैरह बनाई थी, तो झूले थे काफ़ी लगे हुए स्विंग्स के ऊपर, तो अम्मी और आंटी जो है वो झूले वगैरह लेना शुरू हो गए। और मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है इस चीज़ को कि मतलब बंदा थोड़ा सा ना लाइफ भी इंजॉय करनी चाहिए। और अल्लाह का शुक्र है मजाक मजाक में बड़ा अच्छा टाइम गुजर गया। अम्मी अबू बहुत ज़्यादा खुश थे सबसे ज़्यादा। मैं बैग लेंगे कभी नहीं, मैं तो खड़ी हो गई हूं। ये और दे दे जरा वो ए जूता टुकड़ा दे। हां
और बस थोड़े ही टाइम फिर बाहर गुजारा था तो आके माशाल्लाह से खाना वगैरह रख दिया। अबू ने दुआ करवाई बरकत की और बच्चों को बस इकट्ठा रखने की इत्तफाक उन मेरे यही दुआ ज़्यादा वो करते हैं। और बस फिर खाना वगैरह शुरू कराया, माशाल्लाह सबको बड़ा अच्छा लगा, सारी चीज़ें सबको बहुत अच्छी लगी। और इधर मतलब बूफे टाइप सेपरेट भी मैंने सर्व कर दिया था और डाइनिंग टेबल के ऊपर भी, तो जो जेंट्स या बुज़ुर्ग हैं वो सब डाइनिंग टेबल पर बैठ गए थे कि ईज़िली मतलब ले ले, और बाकी यहाँ पर सर्विंग थी या बाद में आइसक्रीम मीठा वगैरह मतलब ये भी दिया। अल्लाह का शुक्र है सारा खाना ही सबको बहुत अच्छा लगा था और सबने बहुत शौक से हर चीज़ खाई। और सर्विंग में मतलब हम सभी लेडीज़ लगी हुई थी, सभी दे रहे थे, बच्चियां भी बहुत ज़्यादा अब तो माशाल्लाह रिस्पॉन्सिबल है, सारे काम करती हैं। कदस, मलाइका, रुशा, सबा बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प करती हैं हर काम में, आते ही किचन में बल्कि ये स्टार्ट हो गई थी। यहाँ पे अबू सबको कह रहे थे कि दो तीन डिशेस बनाया करो और महीने में दो तीन दफा ना दावत कर लिया करो। अब हमारे बच्चे हैं, स्कूल कॉलेज जाना होता है तो ये थोड़ा सा मुश्किल है, हम मजाक कर रहे थे। और फिर जनाब एक ग्रुप फोटो बनाई सबकी, और फिर जनाब बच्चों को मैंने ईदी दी और अम्मी अब्बू को और भाभी को उज़ैर जो है वो छोड़ने के लिए चला गया, क्योंकि अम्मी अब्बू ज़ाहिर है बुज़ुर्ग हैं, वो इतनी देर बैठ नहीं सकते। तो अम्मी कब की कह रही थी नहीं मैंने जाना है, मैंने जाना है, हालांकि अंदर बेड पे लेटी हुई थी, लेकिन फिर मैंने उज़ैर को कहा कि इससे पहले कि अम्मी की तबीयत फिर ख़राब हो जाती है छोड़ आओ। हमने जनाब दोबारा चाय बनवाई और सिस्टर बैठ गई, सजाद भाई भी बोल के चले गए थे, आंटी भी चली गई थी। तो नासरा को कहा मैंने कहा दोबारा मैं ड्रॉप कर दूँगी थोड़ी देर, मैंने कहा रोज़ रोज़ तो आया नहीं जाता, तो चलो बैठो गप्पे लगाते हैं। तो बस यहाँ पे हमारे गप्पे जो सेशन है वो चल रहा था। माशाल्लाह से 11 बज गए हैं, लेकिन बातें कर करके दिन ही बड़ा बहुत शुक्रिया ठीक गई सबको लाने का टाइम पाने का लेकिन पाए मैनेज कर इससे अल्लाह से मेरे साथ फोन करना अल्लाह से और अल्लाह का करोड़ बार शुक्र है कि खाना भी बहुत अच्छा हो गया और सबको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और राशिदा भी चली गई अपनी गाड़ी में और मैं फिर नासरा को ड्रॉप करने के लिए चली गई, क्योंकि सजाद भाई जो थे वो पहले चले गए थे आंटी को लेके, आंटी ने भी ज़ाहिर आराम करना था। साढ़े 11 बज गए हैं और नासरा को छोड़ के भी आ गई हूँ। अब पहले तो जनाब ड्रेस चेंज कर लूँ, लेकिन मेरा दिल कर रहा है कि पहले ये जो कुक फूड है सारा इसे फ्रिज में रख लूँ। तो आई होप छोटा सा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा, मैंने कहा पहले ब्लॉग को एंड करूँ और उसके बाद कुछ करूँ। तो वीडियो को इसी तरह लाइक करते रहिएगा, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि ईद के बाद भी जो ब्लॉग्स हैं वो कम अज़ कम वीक में 2-3 आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलूँगी आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।